अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो बहुत सारे भाई दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ रहे थे कि भाई आपकी मुर्गी कब कुड़क होगी, और एक दो भाई मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि भाई कुड़क क्या होता है। तो कुड़क का मतलब दोस्तों ये होता है कि जब मुर्गी अंडों के ऊपर बैठती है तो उसको फिर कुड़क कहते हैं। तो दोस्तों हमारी मुर्गी 2 से 3 दिन के अंदर कुड़क हो जाएगी, मतलब वो अंडों के ऊपर बैठ जाएगी। तो अभी भी दोस्तों मुर्गी ने अंडा दिया हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये काफ़ी पीछे है दोस्तों, मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की। वो देखिए, वो अंडा सामने मुर्गी ने दिया हुआ है, और बाकी ये हमारे दोस्तों कबूतर, काफ़ी इनका डरबा गंदा हुआ पड़ा है, मैंने सफाई भी करनी है। और आज दोस्तों हमारे इस सेटअप पर कुछ मेहमान आने वाले हैं। मेहमान कौन से हैं दोस्तों? हमारे कुछ नए परिंदे आने लगे हैं, छोटा भाई मेरा गया हुआ है उनको उठाने। तो दोस्तों जब तक हम मास्टर केज में जाते हैं और हम अपनी डायमंड डव का दोस्तों घोंसला देखते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मुझे मैंने डायमंड डव का घोंसला चेक नहीं किया, घोंसला नहीं देखा उसका, क्या पता दोस्तों अंडे दिए हुए हों। और आप सबसे एक बात दोस्तों करनी थी, मैंने 2 से 3 दिन पहले आप सब भाइयों को बोला था कि मेरे बड़े भाई का चैनल है, तो जिन जिन भाइयों ने मेरे बड़े भाई को दोस्तों सपोर्ट किया, तो उन सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबके प्यार का, आप सबकी मोहब्बत का। तो दोस्तों अब देखते हैं हम अपने इस डायमंड डव के घोंसले को, बल्कि 3 घोंसले हैं दोस्तों, कभी कहाँ बैठी होती है डायमंड डव, कभी कहाँ बैठी होती है, तो सबको चेक करेंगे। सिर्फ मैं हाथ ऐसे ही मारता हूँ तो यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा बैठती है डायमंड डव, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ, नहीं इधर भी नहीं है दोस्तों अंडा, और यहाँ पर लास्ट चेक करते हैं तो यहाँ पर भी नहीं है अंडा दोस्तों। तो दोस्तों मैं जेब्रा फिंच के नेस्ट को चेक नहीं करूँगा आज, क्योंकि कल की वीडियो के नीचे बहुत सारे भाई मुझे कह रहे थे कि भाई जेब्रा फिंच के नेस्ट को अभी चेक ना करें आप, 5 दिन के बाद चेक कीजिएगा जब सारे बच्चे निकल आएँ। तो मैंने फिर यही फैसला किया कि चलो जी, जब जेब्रा फिंच के पूरे बच्चे निकल आएंगे तो फिर हम उनको चेक करेंगे, फिर डिस्टर्ब करेंगे। और देखें दोस्तों, जो हमने ये अपना फीडर लगाए हैं तो माशाल्लाह से सारे परिंदे इधर आते हैं और अपनी खुराक वगैरह खाते हैं दोस्तों। तो अब मैं दोस्तों वेट कर रहा हूँ कि कब छोटा भाई आएगा और कब हमारे नए मेहमान मास्टर केज में आएंगे। मास्टर केज में तो नहीं दोस्तों, क्योंकि वो चीज़ कौन सी है मैं आपको अभी बता देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारे आज सेटअप पर परिंदे आने हैं ना, वो आ रहे हैं हमारे कुछ कबूतर, क्योंकि बहुत सारे मुझे भाई कह रहे थे कि भाई जल्दी से कुछ और कबूतर लेकर आएँ, तो मैंने सोचा चलो जी चंद कबूतर लेते हैं। तकरीबन जो कबूतर आने हैं दोस्तों, 3 कबूतर आने हैं मेरे पास आज, तो वो आज हम अपने सेटअप पर खोलेंगे और हमारे लकी कबूतरों के नए दोस्त आ जाएंगे। तो अभी दोस्तों मैं ये कुंडी बंद कर देता हूँ दोस्तों, जैसे पहले जुगाड़ किया हुआ था अभी भी वैसे ही जुगाड़ करता हूँ। ये देखो, अभी फ़िलहाल दोस्तों मैं अकेला हूँ, पहले तो दोस्तों कैमरा छोटा भाई पकड़ता था, लेकिन अब वो गया हुआ है दोस्तों परिंदे उठाने, तो इस वजह से फिर मुझे काफ़ी मुश्किल हो रही है वीडियो रिकॉर्ड करने में और मतलब व्लॉग बनाने में, और मेरे बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारे परिंदे हैं आ चुके हैं, आप बना रहे हैं वीडियो? तो जी हाँ, मैंने शुरू कर दिया था व्लॉग, और माशाल्लाह से दोस्तों ये हमारे, यार कैमरा पकड़ो अब ज़रा, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। अच्छा, एक मिनट। तो ये देखें दोस्तों माशाल्लाह, और ये कौन से हैं यार? दरअसल दोस्तों ये कबूतर कहाँ से हैं मैं आपको बताता हूँ, मेरे ब्रदर इन लॉ का दोस्त है दोस्तों, तो उन्होंने हमारे पास ये कबूतर भिजवाए हैं, तो उनकी तरफ से ऐसे समझे हमें गिफ्ट मिला है। तो देखते हैं दोस्तों ये किस तरह के कबूतर हैं। बाजी, मेरे ख्याल वो कह रहे थे कि बाजी कबूतर हैं, तो चलो कौन से होते हैं जो आसमानों पर मतलब ज़्यादा ऊँची फ्लाई करते हैं और काफ़ी टाइम वो उड़ते रहते हैं आसमान पर। तो खोलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि हमारा गिफ्ट कैसा है। दरअसल दोस्तों ब्रदर इन लॉ ने हमारा जिक्र किया था अपने दोस्त के सामने, तो उन्होंने बोला था मैं गिफ्ट भेज दूंगा, कबूतर कुछ भेज दूंगा, तो मैंने ये रस्सी दोस्तों निकाल ली है और आप आवाज़ें माशाल्लाह सुन रहे हैं, और मेरे ख्याल में इनके पर दोस्तों मतलब पूरे पूरे हैं, बांधे नहीं हुए मेरे ख्याल में, तो इनको दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ के डरबे में ही डायरेक्ट खोलते हैं, बल्कि मैं आपको एक एक करके पहले दिखा देता हूँ, फिर इसको हम डरबे में दोस्तों छोड़ेंगे। ये देखें, ये कौन से है? देखें माशाल्लाह दोस्तों, ये जी हमारा एक, अच्छा यार ये मुझे सारे पट्ठे लग रहे हैं, ये तीनों दोस्तों पट्ठे हैं, मतलब फुल एडल्ट नहीं है, महीना 15 दिन उनको लगेंगे एडल्ट होने में। तो ये है एक कबूतर हमारा दोस्तों, अगर मैं दोस्तों इनको बाहर छोड़ देता तो ये उड़ जाते,
एक ये है कबूतर दोस्तों, तो एक और ये जी वाइट कबूतर। अच्छा हमारे पास एक वाइट कबूतर था, तो दोस्तों बहुत सारे भाई मुझे कहते थे कमेंट बॉक्स में कि भाई जल्दी से कोई वाइट कबूतर लेकर आए, तो ये जी दोस्तों ये वाइट कबूतर आ गया, लेकिन ये भी पट्ठा ही है दोस्तों अभी देखें। अच्छा इनका एक खासियत है कि ये हमारे घर के पक्के जल्दी हो जाएंगे, मतलब एक दफ़ा ये पक्के हो गए ना दोस्तों फिर ये पूरी लाइफ मतलब कहीं नहीं जाएंगे और हमारे घर के ही पक्के रहेंगे। तो इन पट्ठों का दोस्तों ये फ़ायदा है कि जब ये एक जगह के पक्के हो जाते हैं ना फिर वापस कभी नहीं जाते उस घर को छोड़ के। तो ये दोस्तों दो कबूतर, ये बाकी एक है मैं आपको दिखाता हूँ, एक कबूतर ये है, ये देखें जी ये माशाल्लाह ये रेड कबूतर दोस्तों, और ये मुझे दोनों मेरे ख्याल नर लग रहे हैं, शायद ये वाली फीमेल हो, ये तो कन्फर्म नर लग रहा है मुझे। तो दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ हमारे घर में कबूतर आ गए हैं, मैं इनको वापस डब्बे में डाल देता हूँ और हम फिर इनको लकी कबूतरों के खाने में डाल देते हैं, उनके खाने में उनके दोस्त दोस्तों आ चुके हैं अब। और ये मुर्गियाँ दोस्तों अंदर चली गई हैं लकी कबूतरों के खाने में, तो इनको मैं निकालूंगी। तो दोस्तों अब मैं छोड़ने लगूँ अपने नए कबूतर अपने लकी कबूतरों के घर में। तो ये दोस्तों सफाई मैंने करनी है, मैं इंशाल्लाह कल लाजमी सफाई करूँगा। और ये जी देखें, देखते हैं दोस्तों अब लकी कबूतर कैसा रिएक्ट करते हैं। दरअसल ये डब्बा दोस्तों मेरा हाथ नहीं पहुँच पा रहा डब्बे की वजह से, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। वेलकम जी वेलकम माशाल्लाह। तो ये जी दोस्तों हमारे तीन कबूतर लकी कबूतरों के घर में आ गए, तो इंशाल्लाह दोस्तों उम्मीद तो पूरी है कि हमारे घर के ये जल्दी पक्के हो जाएंगे। और मैं अभी दोस्तों इनको बाजरा डाल दूं क्योंकि ये भूखे होंगे, काफी सफर करके ये आए हुए हैं, और इनका बाजरा यार ये है तो यार बाजरा डाल दूं। तो अभी ना ये डर की वजह से स्ट्रेस की वजह से बाजरा बल्कि खाना शुरू हो गए हैं दोस्तों माशाल्लाह। ये देखें जी भूखे थे, तकरीबन 7 से 8 घंटों का ये कबूतर सफ़र करके आए हैं, तो ये देखें अब खाना भी शुरू कर दिया इन्होंने ये बाजरा। तो दोस्तों बड़े ही प्यारे कबूतर हैं और बाजी कबूतर हैं, ये आसमान पर बहुत अच्छी फ्लाई करते हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह मैं कुछ दिनों के बाद इनको फिर बाहर छोड़ूंगा, और आपने मुझे लाजमी बताना है कि इनको मैं किस तरह से पक्का करूं घर का जल्दी, क्योंकि ये अभी पट्ठे हैं। तो जिन जिन भाइयों को पता है कि ये जल्दी पक्के कैसे होते हैं तो मुझे लाजमी बताइएगा, मैं इनके पर बांधूं या पर काटूं या कलियां निकालूं मुझे लाजमी बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और मेरे चैनल शहर में देहात को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, कल एक नई वीडियो के साथ, अभी के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।